बेहद नाराजगी है। लोग तो वैसे एज ए रिवल खड़ा होने की बात सोच रहे थे, तो मैंने मना ना किया। वो आरा में भी कुछ कॉरेस्पॉन्ड्स ने हमको बताया, पूछा कि साहब स्वयं देख रहे हैं कि कार्यकर्ता में बहुत नाराजगी है, तो मैं उसको टाल गया। लेकिन यहाँ आया तो बिहार के अन्य क्षेत्रों से भी लोग हमको जाते हैं, आते हैं। बिहार के अन्य क्षेत्रों से भी कार्यकर्ताओं का यही कहना था, और मुझे जबकि बताया गया कि जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ है, तो मुझे लगा कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी में दम है। आप क्रिमिनल्स को टिकट दे देते हैं, मतलब क्रिमिनल को आप ज्वाइन नहीं कराए और उसके पहले टिकट दे दिए उसके बाद ज्वाइन कराए, ऐसे ऐसे ये। और जो सिटिंग है आपके उनका काट दिया आपने, जो जीतने वाला है सिटिंग उसका काट दिया, क्योंकि वो आपकी जी हुजूरी नहीं करता था, यहाँ के नेता की जी हुजूरी नहीं करता था। जो सिटिंग है आज जो हारने वाला है उसका तो नहीं काटा आपने, ये सर्वे ये बोगस बात। मैं आपने सोचिए, कैलाशपति मिश्र के बहू का टिकट आपने काट दिया। अरे साहब, सीपी ठाकुर जी के लड़के को मिलना चाहिए था, वो भी कार्यकर्ता है, लेकिन कहीं और से दे देते तो कहीं और से क्यों नहीं दे दिया आपने? कैलाशपति मिश्र आपके फाउंडर मेंबर्स में से हैं, उनकी बहू का आपने काट दिया। और आप ये तो नहीं कह रहे हैं कि हाँ साहब सो हम बहुओं को या बेटाओं को नहीं देंगे, आप तो दे रहे हैं, तो उनका क्यों काट दिया आपने? और ये सीपी ठाकुर के बेटा हैं, पुराने कार्यकर्ता, उनको टिकट मिलना चाहिए था, कहीं और से दे देते आप? नहीं, क्यों भैया? एक बिहार का टिकट बढ़ जाएगा इसलिए? तो क्या हो गया? आप कार्यकर्ता को देखिए ना, ये नाराजगी का सही है। आपने ये विक्रम कुंवर का टिकट काट दिया, क्यों भैया? वो निश्चित जीतेगा, देखिएगा ये इंडिपेंडेंट जीत जाएगा। और आप क्रिमिनल्स को दे रहे हैं, आप जबकि क्रिमिनल को आप टिकट दीजिएगा, अभी टिकट बंटवारे में आप क्रिमिनल्स को ले आ रहे हैं, तो आप साफ प्रशासन बिहार को कैसे दीजिएगा? हम भी बिहार के रहने वाले हैं, हमको तो चिंता होगी ना। तो आप में और लालू में क्या अंतर है भैया? आपने कहा कि लालू में और बीजेपी में क्या डिफरेंस रह जाएगा, ये बात आप जाके आगे बोलेंगे? अरे भैया, जबकि जिस समय टिकट बटा उसी समय तो मैंने लगाया था मिस्टर सुशील मोदी को, तो फोन उठाए नहीं। टिकट बंटवारे के पहले मैंने सबसे यही कहा था, मेरी राय तो नहीं ली गई, मुझे पूछा नहीं गया, मैं जा करके कहा, मैंने कहा कि देखिए साहब, आप हमारे यहाँ सातों सीट लड़िए, हम सातों सीट जीतेंगे, खाली एक चीज रिक्वायरमेंट कि आप साफ सुथरे आदमी को लड़ाइए, कार्यकर्ता को लड़ाइए, और जिम्मेवारी में क्यों नहीं दिया आपने? आप पब्लिक के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं ना। पब्लिक अगर आस्था बनाई है आप पर कि आप साफ शासन देंगे, तो आपको उसी हिसाब से करना चाहिए ना। और आप क्रिमिनल को नहीं देकर के टिकट अगर साफ सुथरे कार्यकर्ता को देते, तो वहां से जीतने का ज्यादा चांस रहता आपको, जहां कहीं भी क्रिमिनल दिया, ये मेरा दावा है। क्रिमिनल को आपने किस कारण से दिया यह स्पष्ट नहीं है, ये कारण आप स्पष्ट कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो क्रिमिनल ही वहां से जीत सकता था, वहां से कोई कार्यकर्ता जीत सकता है। अरे भैया, हमारे यहां से सुनील पांडे के पत्नी को टिकट मिला है, गठबंधन ने दिया, कुछ लोग तो टिकट बेचे, ये क्या है भैया? तो हम लोग को स्वच्छ प्रशासन कहां से मिलेगा?